फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी ओवर हियर। जैसे वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव समबडी हु इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ हाउ ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज हेल्थ एंड आल्सो वेल्थ पैरेलली मैनेजिंग हिज बिजनेस, नॉट बिजनेस आई सेड मैनेजिंग हिज जॉब प्रोफाइल, हिज हेल्थ, हिज फैमिली एंड एक्सपैंडिंग इन दिस बिजनेस विद गैंग एंड वाटर। सो इतने पैरामीटर्स को संभालने के बावजूद आई आस्क हिम डायरेक्टली टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। ए, उनका बैकग्राउंड वो क्या करते हैं, उनके हेल्थ के चैलेंजेस के बारे में, प्लस इस बिजनेस को वो क्यों ड्राइव कर रहे हैं। सो हियर इज मिस्टर विनोद कालिया, प्लीज। एंड ही इज माय यंगर ब्रदर, सो वी हैप्पी। थैंक यू सर। थैंक यू। ही इज माय एल्डर ब्रदर, आई एम सॉरी, इज माय एल्डर ब्रदर, आई एम द यंगर ब्रदर। सो ये अभी एक मैराथन से आए, उसी के बाद छोटे छोटे है ना? नहीं, मैं बड़ा हूं, दोस्तों मेरा नाम विनोद कालिया है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, ओके, कुछ और देर के लिए। मैं एक हेड ऑफ ऑपरेशंस हूँ आदित्य बिरला ग्रुप का, जो ऑलमोस्ट हर सिटी में हमारी दुकानें हैं, पैंटलून्स नाम की दुकानें हैं हर सिटी में, और मैं उसका हेड ऑफ ऑपरेशंस था। हुआ यूं कि मैं जिस तरीके से काम कर रहा था, एक प्राइवेट सेक्टर में सैलरी भी अच्छी थी, वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते 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 मैं एक बहुत बड़ा बोलता था, एक नौकर बन चुका था। हमारी पोजिशन बड़ी थी, सैलरी बड़े थे, लेकिन मैं जिस तरीके से काम कर रहा था उस कंपनी में, मेरा स्ट्रेस लेवल्स बहुत बड़े थे। 365 डेज में से 260 डेज तो मैं ट्रैवल ही करता था, और मेरे ट्रैवल करने के शेड्यूल्स कुछ रहते नहीं थे। मॉर्निंग में निकला था मैं 4 बजे की, 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी, तो 3 बजे घर से उठना है, फिर वो सारा दिन काम करने के लिए फिर दूसरी सिटी में जाना है। बहुत स्ट्रेस लेवल्स थे अलग अलग तरीके के। हुआ यूँ कि ये स्ट्रेस लेवल्स को देखते देखते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा खाने का कल्चर चेंज हो गया, मैं कुछ भी खाने लगा। और सिंस मैं इतने सारे अलग अलग तरीके में सिटीज में विजिट करता था, दोस्तों के साथ में मिलता था, मेरी टीम के साथ में मिलता था, ड्रिंक्स भी शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट ब्लोट हो चुका था। ब्लोट हो चुका था मतलब मेरी बॉडी एकदम, मतलब देख के मुझे ऐसा लगता था यस हैंडसम है, पूरा लाल लाल है, लेकिन मैं ब्लोटेड था। मेरा वेट ऑलमोस्ट 90 kg था। 90 kg के बाद में हुआ कि एक दिन मैं ऐसे ऑफिस से निकल रहा था घर की तरफ, घर पे गया ही था, गाड़ी ली थी ड्राइवर से, चाबी ली, शोल्डर पे बैग रखा ही था, तो मुझे हार्ट अटैक आ गया था। मेरा फर्स्ट अटैक था, मैं बुरी सिचुएशन में था। जब मैं सिचुएशन में गया, वो 100 meters, 200 meters चलने के टाइम पे मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैंने मेरी वाइफ को जाके बोला कि मुझे गैस्ट्रो अटैक आया है। तो जब उसने मुझे देखा तो बोला कि विनोद जी अटैक नहीं, कुछ और है। उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला, विनोद हॉस्पिटल में जाते एक बार दिखाते डॉक्टर को। मैंने पहली बार अपनी वाइफ की बात सुन ली, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। वाइफ की आवाज़ सुन ली, उसने बोला जाके दिखाते हैं। मैं गया, चल के गया, पहले बोला गाड़ी लेके जाते, बोले नहीं चल के जाते। सामने हॉस्पिटल तक गया उसको, जब जैसे मैं अंदर जा ही रहा था तो डॉक्टर बाहर बाहर घर से घर पर जा रहा था हेलमेट वेलमेट लेके। जैसे उसने मुझे देखा, हेलमेट फेंका और मुझे स्ट्रेट शॉट उसने मुझे बेड पे बोला कि 3-4 जन को बुलाया, बेड पे लेटा दिया। जब बेड पे लेटा है, बेड पे लेटाने के मेरा ECG चेक किया, मेरा कार्डियो चेक किया, बोला कि ये आदमी जा रहा है। मुझे इंजेक्शन दिए, मुझे जिस तरीके से इंजेक्शन दिए गए थे सफरिंग का सोचा नहीं, जैसे मेरी जिंदगी में हो गया। मैं इतना एक्टिव बन रहा हूँ, मुझे लोग जानते हैं, मेरे ऑफिस में भी विनोद इतना एक्टिव बन रहा, हर एक चीज़ में काम में इन्वॉल्व रहता है। लेकिन जब ये हुआ तो मैं जब बिस्तर पे लेटा था, ऑलमोस्ट 1 महीने तक लेटा था, मैं क्या सोच रहा था ना, मेरे पैसे कहाँ कहाँ हैं, मेरे पासवर्ड्स क्या क्या हैं। जब डॉक्टर मेरे को, मतलब जब मेरे को कार्डियो किया, उन्होंने इंजेक्शन दिए, उस टाइम पे जब मुझे बोला गया कि आपका मेजर अटैक आ चुका है,
मेजर अटैक जो मेडिक्लेम था तो मेरा उस टाइम पे सबल गया। तीन दिन तक मुझे स्टेबल किया। 3.5 घंटे के बाद मेरी फैमिली को बताया कि इसको मेजर अटैक आया। 3 दिन के बाद मुझे सेटल करने के बाद में उन्होंने मुझे तो लगा था मैं घर पे जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को अच्छे से ड्रेसिंग किया, ड्रेसिंग करके मुझे सेवन हिल्स हॉस्पिटल लेके चले, एम्बुलेंस में डाला, सेवन हिल्स हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर मेरा ऑपरेशन हुआ। अरे मेरा मतलब मैं इस उम्र तक 45 की स्टेज में मुझे हार्ट अटैक आया। उस उम्र तक मैंने दवाइयों से मैं दूर रहता था, मुझे अगर कुछ भी होता था मैं सो जाता था, नेचुरल तरीके में नींद लेके सो जाता था। जब भी मैं ऑपरेशन हुआ, जैसे मैं ऑपरेशन से बाहर आया, यहाँ पर बहुत बड़ी टीवी है, 4-5 टीवी लगी थी, कलर टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी, और कम से कम 3-4 डॉक्टर्स इधर थे, स्टेंट लेकर आ गए, कौन सा लगाना है, 4 लाख वाला लगाना है, 2 लाख वाला लगाना है, कौन सा लगाना है। फिश मार्केट में जाते ना, ये 500 रुपये की फिश है, ये 2000 की फिश है, स्टेंट्स लेकर आए। मेरी वाइफ ने उस टाइम पर बोला जो अच्छा है वो लगाओ, वैसे ही फिक्र मत करो। अभी धक्का तो लग चुका था, बचना तो था। फाइनली मेरे स्टार्स अच्छे थे, मेरे कर्म अच्छे थे, जिसकी वजह से मुझे आप लोग के जैसे भी कुछ दोस्त मिले हैं। पहले के दोस्तों के भी कुछ अच्छे कर्म थे, मेरे भी कुछ अच्छे कर्म, तो मैं बच गया। बचने के बाद में क्या होता, अभी आदमी को धक्का लग चुका है, क्या करेगा। मैंने ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन आके मैं 1 महीने के लिए घर पे बेड रिडन था, तो मैं सोच रहा था मेरे पासवर्ड्स क्या है, मेरे पैसे क्या है, किससे लेना है, किससे देना है, वो सब वाइफ को बैठे बैठे समझा रहा था। वाइफ ने बोला कुछ फिक्र मत करो, बोला मेरे को ये मेरी इंजन पे अटैक आया, अभी आगे जाके मुझे पता नहीं ये इंजन और कितने टाइम तक चलेगी। अभी उस टाइम पे डॉक्टर्स ने मुझे दवाई ये 14 मेडिसिन दी थी मुझे, एक रिकरिंग अकाउंट 14 मेडिसिन का, वो 14 मेडिसिन का रिकरिंग अकाउंट मैंने 8 महीने तक वो प्रोफेशनल की लाइफ सुनी। जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है ना उसमें मैं चैलेंज नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे जब इसके बारे में बताया, 14 मेडिसिन से लेते 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 ऑलमोस्ट 8 महीने तक मैंने लिया। उसके अंदर जब डॉक्टर ने मुझे बोला आप कार्डियो करना चालू करो, वॉक करना चालू करो, तो मैंने वॉक करना शुरू किया। डॉक्टर ने बोला वॉक करना, पहले भी बोलते थे लेकिन हम लोग करते नहीं, आलसी रहते ना, खुद ही बेड से उठते नहीं है, फॉरगेट वॉक करना, बेड से उठते नहीं, पहला स्टेप नीचे नहीं रखते। उसके बाद में मैंने एक ही चीज़ सोचा, जब भी डॉक्टर ने मुझे बोला ना कि वॉक करने के लिए, तो मैंने वॉक करना शुरू किया। वॉक करते 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 कुछ और 1-1.5 महीने तक वॉक किया मैंने। उसके बाद में जब भी मेरे को आवाज़ अंदर से आई, यू नो, तो ब्रिस्क वॉक करना, मैं ब्रिस्क वॉक करना शुरू कर दिया। जब ब्रिस्क वॉक करना शुरू किया मैंने, ब्रिस्क वॉक करते 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 मैं भागना शुरू किया। मैं पहली मैराथन जो भागा था 21 किलोमीटर, वो 4.5 आवर्स के लिए भागा था, कंटिन्यूसली भागा था। भागते भागते रो रहा था मैं, क्यों आज भी रो रहा था, भागते भागते रो रहा था, क्यों लग चुका है पता नहीं, कभी बंद हुए आगे की जनरेशन को देखने के, मेरे बच्चों को देखने, हमने एक स्टोरी देखी बचपन में, मैं नहीं चाहता था मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे वो स्टोरी देखे। हमने एक स्टोरी देखी बचपन में, वो नहीं चाहता था मेरे बच्चे की वो स्टोरी देखे। मैंने अपने आप की लाइफ को 360 डिग्रीज का टर्न दिया। टर्न देते वक्त उस टाइम पे सुरेश ने मुझे इसके बारे में बताया, ये मुझे पता नहीं है कैंगन क्या करेगा, लेकिन एक चीज आई है जो कुछ ना कुछ तो करेगा तेरे लिए। उस टाइम पे जब इसने मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो मुझे एक्चुअली इसने 3 टाइमिंग दिए थे, 11 बजे का, 2 बजे का, 6 बजे का। मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, टाइम मिलना नहीं था जाने के लिए, जैसे आप कुछ लोगों ने बुलाया रहेगा, टाइम नहीं दिया उन्होंने आज आप लोगों को, वैसे मैं टाइम इसको नहीं दे रहा था। 11 बजे का टाइम चला गया मेरा, 2 बजे का टाइम चला गया, 6 बजे गए। इसके ऊपर मेहरबानी करने के लिए मैं कैंगन का प्रेजेंटेशन देखने के लिए JW Marriott चला गया। वहाँ पर जब भी जाके देखा तो ऐसे कुछ तो लोग, जापनीज लोग, कुछ मलेशियन लोग जाके बता रहे थे, ऐसे ऐसे कुछ बता रहे थे। बताते बताते जब भी उन्होंने बताया, तभी मैं बोला ये मशीन कुछ ना कुछ तो कर रही है, जहाँ पर इतने सारे लोग जमा हो रहे हैं और कुछ समझ रहे हैं उसके, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो मैंने क्या किया, कंपनी उस टाइम पे इंडिया में नहीं थी, इसका विश्वास था, और ये जब भी कुछ करता तो पहले मुझे ही ढूंढता है, जब भी कुछ करता तो पहले मुझे ही ढूंढता है। तो ये देखा हमने, ये देखने के बाद में कैंगन देखा,
कैंगन देखने के बाद में फिर हमने बोला इसको पीना शुरू किया, लिया मैंने SD501 मैंने ली, लेने के बाद में मैंने पीना शुरू किया, ऑलमोस्ट 2 साल तक मैं इसको पी रहा था और हेल्थ बना रहा था, अपने अपने शरीर को अपने फैमिली को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे रहा था। 2 साल के बाद में जब मुझे ऐसा लगा कि ये इसको प्रमोट करना चाहिए, थोड़ा पैसा भी आएगा, उसके बाद में मैंने इसको प्रमोट करना शुरू किया स्ट्रांगली, मतलब फोकस होकर मैंने पिछले 2 साल में ही खेली। उसके पहले मैं मतलब चला रहा था, दौड़ रहा था और मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, टाइम पे तो पता ही नहीं था। उस टाइम पर जब इसको यूज़ करना शुरू किया मैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने पहली मैराथन की थी, आज मैं 48 मैराथन करके आया हूँ, 48 मैराथन करके आया हूँ आज तक के बाद। और आज मैं 0 मेडिकेशन पे हूँ, मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ, 0 मेडिकेशन पे हूँ। आज मैं 21 किलोमीटर टाटा मैराथन जो मैंने सोचा था कभी करूँगा वो आज मैं कम्प्लीट कर दिया। कितने मिनट में? 2 hours 28 minutes में मैं अपनी मैराथन करके आया। मेरा एवरेज पेस टाइम है 6 minutes 24 seconds 1 kilometer का। दिस इज वॉट अ पर्सन कैन डू विद हिज हेल्थ एंड हिज फैमिली एंड हिज सराउंडिंग। अ पर्सन जो हार्ट अटैक था, चैलेंज थे लाइफ की, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि कंट्रोल डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड कैंगन वाटर हैज हेल्प हिम टू बी व्हाट ही रियली इज। आज एक हार्ट अटैक वाला पेशेंट अगर 21 किलोमीटर 2 घंटे 28 मिनट 12 सेकंड में कंप्लीट करता है, ही जस्ट कॉल्ड मी अप, मैंने उसको कॉल लेके आई, उसको आया, उसने कुछ बोला नहीं, बट आई कुड अंडरस्टैंड दैट ही इज क्राइंग बिकॉज़ आई नो व्हाट ही अचीव्ड इट। फ्रेंड्स, हम लोग अगर अपनी हेल्थ के साथ में, मुझे बहुत बोलता है तो चालू कर चालू कर, मैं चालू करता हूँ कर देता हूँ। ऑफकोर्स इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, अगर हम उसमें से थोड़ा लेके भी अपने लाइफ में अप्लाई करना चालू कर दें, अपने लिए नहीं अपनों के लिए करना चालू भी कर देना बहुत अच्छा है। मैं कोशिश करता हूँ रोज सुबह वॉक पे जाने का, कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ, सो ही इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। My few of my colleagues who are from Nehru, Santosh ji, Shashi Giri ji, Madam Kavita ji, Jagdish sir, Anil ji, or Shiv. How many families now you are giving the happiness? Huh? How many? Yes, families? Yes. How many families? By the grace of God, I am reaching 6A in this month. How many families? By the grace of God, I have got approximately 600 families. All put together, 600 to 800 families. We are bringing. Good health, you know. Good. And thanks to Girish ji and Sudesh for taking us to this level, whatever we are today. So I invite everybody to experience yourself by a single slogan of the company, that is, change your water, change your life. Simply. That will help all of us. Thank you very much.